नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नविक्रम सिंह। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए गए। हालांकि इनमें से कई कानून जम्मू कश्मीर सूबे में नहीं लागू होते थे। नतीजा ये रहा कि यहाँ का एक बड़ा तबका विकास की रेस में पिछड़ गया। आज जम्मू कश्मीर पर अपनी श्रृंखला की इस कड़ी में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में नई पहल के बारे में और लोगों की नई उम्मीदों के बारे में। लक्षारक मत सरम्यों हगर्त चार म्यों वक्त वापस मत खस जाए वलई वीस वस वई आसिया के माता पिता को उम्मीद जगी है कि आसिया भी नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। स्कूल जाना पड़ता है, अच्छा होता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, बड़े होगी डॉक्टर इससे बनना चाहिए। वो सबका इलाज करता है। स्कूल पढ़ाने में अच्छा लगता है। मैडम बनती है, डॉक्टरानी बनती है, उसको दवाई शवाई खिलाती है किसी को। बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, बच्चे खज्जल हो जाते थे। आम लोगों को जो आम है, आम पढ़े नहीं है, देखो हमारी क्या हालत है। हम कुछ के सहन भी नहीं कर सकते, अपने क्या करेंगे। ये पढ़े लिखे हम कुछ से कुछ बन जाएगा, इसके लिए डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी और जितनी भी पढ़ सकेगा अच्छी है। जम्मू कश्मीर का गुर्जर बकरवाल समुदाय ये पढ़े, आगे बढ़े, मुख्य धारा में शामिल हो। देश के बाकी हिस्सों में जो वंचित तबके के अधिकार हैं वो इन्हें भी हासिल हो, इस फिक्र को कई दशकों तक नजरअंदाज किया जाता रहा। राइट टू एजुकेशन, दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग डिसीजन, क्योंकि द कम्युनिटी आई बिलोंग टू और खासकर विमेन अगर मैं बात करूँ, 50% से भी कम, 50% जो पॉपुलेशन जो वुमेन की है इन द कम्युनिटी, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वुमेन आर एक्चुअली एजुकेटेड। द रेट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट इज लार्ज एंड दैट वाज यू नो बहुत ही दुखदायक, जिसे कहा जाता है दैट द सिचुएशन वाज। सो राइट टू एजुकेशन विल रियली you know help the community to get out of the illiteracy which we were in. ₹370 से हटने के बाद जब ये जम्मू कश्मीर यूटी बना तो बहुत सी सेंटर की जो स्कीम थी वो ट्राइबल्स के लिए, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके लिए यहाँ पे लागू हुई और वो ग्राउंड पे अब काम करना शुरू हो गई हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स आता है ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए, वो पहले हमारी जो अरेस्टवाइल स्टेट थी उसमें बड़ा कम आता था, लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो फंड्स आने शुरू हो गए हैं। समावेशी समाज बनाने की तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट पहली बार लागू किया गया है। इसी तरह से जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, अब कुछ ऐसे लोगों को जिनको पहले कभी रिजर्वेशन नहीं मिला उनको भी रिजर्वेशन दी गई। तो इसके अलावा एक ओबीसी कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ जो उसको आगे लेकर के जाएगा। कुकु परा देसी अल्ला बोले नालो नाली परा देसिया कुकुआ बो तेरा बोलने लाई। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है साल में दो बार, तो उनका एक डिटेल सर्वे किया गया कि इससे पहले डेटाबेस हमारे पास नहीं था, कितने लोग माइग्रेट करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से रास्ते हैं, कहाँ हॉल्ट करते हैं। तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग इस सर्वे में शामिल हुए जो माइग्रेट करते हैं और हाईलैंड पास्चर्स पे जाते हैं।
तो एक इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की जा रही है ऐसे विलेजेस के लिए जहां ट्राइबल की पॉपुलेशन 500 से ज्यादा हो या 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हो। विकास की बयार में कोई पीछे ना रहे, इसके लिए संसद ने समय समय पर कल्याणकारी कानून बनाए, बाल विवाह कानून, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुधार समेत केंद्र सरकार के 170 कानून जो अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने से पहले लागू नहीं थे अब यहां अमल में है। साथ ही 334 जो राज्य के कानून थे उनमें से 164 कानूनों को खत्म किया गया, 167 कानूनों को बरकरार रखा गया। पंचायतों में आरक्षण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना गया, लेकिन लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर की महिलाएं इस सुधार से अछूती रही। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, जिससे वो न सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं बल्कि अपने क्षेत्र का भविष्य भी संवार रही हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई महिला सरपंच मिलेगी, महिला पंच मिलेगी, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले सब जो बनती थी सरपंच, सरपंच के जो हमारी बनती थी पंचायत, वहाँ सारे ही जेंट्स होते थे और लेडीज़ को तो ऐसे सोचते थे लोग कि लेडी पंचायत में कैसे जाएगी और फैसले कहाँ करेगी ये। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब इस चीज़ की हमें बहुत बहुत फ़ख्र भी होता है, खुशी होती है कि हमारा नाम आगे आया है और हम आगे आए, उभर के आगे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स से हम कम काम कर रहे हैं। अभी मैं जैसे सुबह से निकलती हूँ, मेरे को सभी देख भी रहे हैं और कहेंगे कि इतने DDC में मैं कितना काम करती हूँ। आशा रानी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जिला विकास परिषद की सदस्य हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने से पहले इनका DDC सदस्य बनना नामुमकिन था। दरअसल जम्मू और कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 तो बनाया गया, लेकिन यहाँ लोकतंत्र में अहम हिस्सा पंचायतों के न तो नियमित चुनाव हुए, न ही सशक्त रही, और जिला पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया और जिला विकास परिषद की स्थापना हुई, जिससे मतदाता सीधे सदस्यों का चुनाव करेंगे। इनमें महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये व्यवस्था की गई। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है पंचायत, उसकी पहली बार गठन हुई है तीनों लेवल पे, तो DDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत, इन तीनों का गठन पहली बार हुआ है। लोग ये चीज़, इसकी कितनी अहमियत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और जो डिस्ट्रिक्ट प्लान 5000 के आसपास हुआ करता था, 12,500 करोड़ के आसपास है, 2.5 गुना हो गया है। जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती स्थिति में DDC के स्थान पर सरकारें जिला योजना और विकास बोर्ड का गठन करती थी, लेकिन अब सीधी ताकत जनता को मिली है। इसका नतीजा भी देखा गया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में मत प्रतिशत रिकॉर्ड 98.3% रहा। इसके अलावा जिला स्तर के चुनावों में भी जनता ने भरपूर भागीदारी की। हमारे संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का हक दिया गया, लेकिन ये बराबरी का हक जम्मू कश्मीर में आज़ादी की आधी सदी गुजर जाने के बाद भी महिलाओं को हासिल नहीं था। अब अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद यहाँ महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला है। जम्मू विश्वविद्यालय में अनु मनकोटिया इतिहास पढ़ाती हैं। जम्मू में पैदा हुई पली बढ़ी अनु को ऐतिहासिक गलती की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कि मेरे जो मदर थे वो यहीं पैदा हुए, यहीं पे उनकी एजुकेशन हुई, लेकिन उनकी शादी जो थी वो आउट ऑफ स्टेट हो गई। उसके बाद मेरे पापा आर्मी में थे, हम लोग यहीं, हमारी एजुकेशन हुई, सब कुछ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी डॉक्टरेट इसी यूनिवर्सिटी से की, सब कुछ यहीं से हुआ मेरा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आई जब मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, जब वो MBBS के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे स्टेट के लिए आपको स्टेट सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है, जो स्टेट के जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे अगर आपने लेनी है
एडमिशन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि मेरे पास तो स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं था, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होते होते मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, डॉक्टरेट हो गया, लेकिन जैसे मेरे साथी या मेरे क्लासमेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते जा रहे थे, स्टेट की जितने भी जॉब्स थी उन्होंने अप्लाई किया, उनकी जॉब्स भी लग गई, लेकिन एक मैं एक वाहिद इंसान थी अपनी क्लास में कि जिसकी सब कुछ यहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट सब यहाँ से हुए, उसके बाद भी आई वॉज़ नॉट क्वालिफाइड, आई वॉज़ नॉट येट एलिजिबल फॉर द सेम पोस्ट कि मैं नहीं अप्लाई कर सकती थी क्योंकि मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। दरअसल ये समस्या अकेले अनु की नहीं थी, उन जैसे सैकड़ों युवाओं को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दो दशकों पहले तक तो जिस महिला की शादी राज्य के बाहर हो जाती थी उसकी नागरिकता ही खत्म हो जाती थी। हालांकि अगर वही कोई पुरुष राज्य के बाहर शादी करता है तो उसकी पत्नी को भी राज्य की नागरिकता मिल जाती थी। कोई भी महिला अगर अपने स्टेट से बाहर शादी करती है, जो कि मुझे लगता है हर इंडिविजुअल का एक राइट है टू चूज हिज और हर पार्टनर, वो अपना इंडिविजुअल राइट है, अगर कोई इस राइट को यूज़ करते हुए आउट ऑफ स्टेट शादी करता है, खासकर महिला इस जेंट के स्टेट की, तो उसके राइट्स वहीं उसी दिन सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट सब्जेक्ट पे बनता था उसके ऊपर भी लिखा जाता था टिल मैरिज, मतलब आपके जब तक शादी नहीं होती तब तक वो स्टेट सब्जेक्ट आपका वैलिड है, और जिस दिन आप शादी कर लेते हो, अगर आप विद इन द स्टेट शादी करते हो तो फिर आपका नया स्टेट सब्जेक्ट बनेगा, और अगर आप आउट ऑफ द स्टेट शादी करोगे तो आपका स्टेट सब्जेक्ट खत्म। और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को एक थोड़ा सा रिलीफ मिला था सुशीला साहनी जजमेंट से, जिसमें ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर की डॉटर इफ़ शी मैरीज आउटसाइड जम्मू कश्मीर उसके राइट्स रिस्टोर होंगे, बट वो अपने राइट्स ना अपने बच्चों को दे सकती है ना अपने हस्बैंड को, तो वो हाफ जजमेंट था। लेकिन इन सबको न्याय मिला जब जम्मू कश्मीर में पिछले साल नई डोमिसाइल पॉलिसी आई, और उस डोमिसाइल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब लोग जम्मू कश्मीर के अंदर एलिजिबल हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के, और काफ़ी सारी संख्या में लोगों ने अपने डोमिसाइल बनाए हैं और कुछ लोग डोमिसाइल बना रहे हैं। लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोशिश की और कानून और नीतियों में बदलाव कर लोगों को समान अधिकार मिले। सिनेरियो चल रहा है कि जिनकी दो ही लड़कियां हैं तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, अगर वो दोनों की दोनों लड़कियां कहीं बाहर शादी कर लें तो उन उस सिचुएशन में उनके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी। तो अब ये हो गया है कि अब जैसे मुझे डोमिसाइल मिल गया है, या मेरे जैसे और लोग जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से 35A के विक्टिम रहे हैं उन सबको हक मिल गया है कि एटलीस्ट जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ से हमने सारी एजुकेशन की, वहाँ पे हम एट पार हैं। अब जो इक्वालिटी की मैं बात करूँ वो पहले नहीं थी। महिला और पुरुष के अधिकारों में अंतर को खत्म करने की दिशा में हमारे संविधान में दिए गए अधिकार दुनिया भर के लिए नजीर थे, लेकिन इन अधिकारों में कटौती भारत के ही एक सूबे में लंबे अरसे तक होती रही। जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार और कौशल विकास पर सरकार का खासा जोर है। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में ऐसे उद्योग विकसित हो रहे हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश भर के लिए एक मिसाल है। बिल्किश कश्मीर के पुलवामा जिले के उखू गांव की रहने वाली हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही बिल्किश को कुछ साल पहले तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनके गांव में ही एक पेंसिल स्लेट बनाने की फैक्ट्री में जब उन्हें रोजगार मिला तो बिल्किश की मुश्किलें आसान हो गईं। हम लोगों को अच्छा लगता है यहाँ काम करने में, हमारा बाप बहुत बुजुर्ग है तो हम 6 बेटे हैं उसके, तो यहाँ आते हैं तो रोज़गार कमाते हैं, अच्छे से घर चलता है। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम 6 बहनें हैं, हम खुद यहाँ कमाते हैं और घर चलाते हैं अच्छे से।
पापा भी खुश रहता है और मामा भी, और हम बहनें भी खुश हैं। घर के आसपास ही रोजगार की वजह से बिल्किस जैसे सैकड़ों नौजवान इस पेंसिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही इस पेंसिल स्लेट फैक्ट्री की वजह से पुलवामा के इस गांव का नाम देश भर में हो रहा है। फिर मुझे एक मान लीजिए कि गोल्डन चांस मिल गया। घर के सामने एक फैक्ट्री है मेरी, और मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे यहाँ काम मिला। ये तो हम फख्र की बात है कि हमारा जो गांव है पेंसिल विलेज का नाम पड़ गया इसको। पुलवामा की इस पेंसिल फैक्ट्री में एक दो नहीं बल्कि करीब 200 लोगों को रोजगार मिला है, जिससे गांव से पलायन भी रुका है। इसीलिए यहां जो मंजूर भाई इस पेंसिल फैक्ट्री को चलाते हैं उन्हीं की वजह से इस गांव का नाम पेंसिल विलेज पड़ा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी मंजूर जी का जिक्र किया। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है। एक समय में हम लोग विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा इस क्षेत्र से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। जब यहाँ के लोगों ने कुछ नया करने की ठानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया। ऐसे ही कर्मठ लोगों में से एक हैं मंजूर अहमद अलाई। पहले मंजूर भाई लकड़ी काटने वाले एक सामान्य मजदूर थे। मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां गरीबी में न जिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पेंसिल फैक्ट्री का जिक्र किया तो ये इस गांव में रहने वाले हर शख्स के लिए गौरव का पल था। साथ ही यहाँ पेंसिल स्लेट के व्यापार को भी नई पहचान मिली। एक खुशकिस्मती आई कि हमारा नाम ले लिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, तो उसका भी हम मतलब धन्यवाद कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा बहुत डिमांड है, भी मतलब अभी डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो हमें उसके लिए बस थोड़ा कुछ और यहाँ पे हमें पहले लाइट का देखना पड़ेगा। अभी हमने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि हमें 24 आवर लाइट चाहिए, तो बाकी थोड़ा जगह की भी प्रॉब्लम, अभी हम जगह भी कर रहे हैं, उसका भी अप्लाई हमने किया गवर्नमेंट से कि ये और दुगना हो जाएगा, तकरीबन 400-500 लेबर इसमें लग सकता है। जो पुलवामा आमतौर पर आतंकी गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में आता है, अब वहां लोगों की दिलचस्पी एक शांत और बेहतर जिंदगी की तरफ है। एक समय पर मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रहे मंजूर अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर एक नई दिशा दे रहे हैं। एक्चुअली ये ऊपर वाला दे रहा है, हम बस खाली ये रखवाली कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं भी ये समझ रहा हूँ, चलो ये शुक्र है ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने ये मतलब ऐसा काम हमें दिया, तो इसके साथ साथ हमारे मतलब बहुत से आपने देखे लड़के, किसी ने मतलब ग्रेजुएशन भी की, तो वो लड़के यहाँ पे भी सुपरवाइज़र कर रहे हैं। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट है, हमारे पास बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनका घर में साया नहीं है, बाप नहीं है, मतलब घर में उनका चोला नहीं चल रहा है, तो इससे मैं खुशकिस्मत हूँ ये ऊपर वाले ने रखा, यहाँ इस काम की वजह से उनका चोला चल रहा। कारोबार लोगों की जिंदगी बदलता है। स्थानीय स्तर पर खुल रहे उद्योगों से वादी से अशांति का संक्रमण खत्म होने की उम्मीद है। ये इंडस्ट्रीज एक रेवोल्यूशन लाता है समाज में, कौम में, लगनी भी चाहिए और लग भी रहे हैं। अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज की तरफ, छोटे मोटे कारखाने लग रहे हैं हर जगह, हर गांव में, हर शहर में लग रहे हैं नए नए कारखाने, बहुत अच्छी बात है, और लग भी रहे हैं और लगाने भी चाहिए लोगों को। मतलब आज वो गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसके लिए ऐसे साधन मतलब पैदा करने हैं हमें खुद ही, और ये लग भी रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये इंडस्ट्रीज की। सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि नई औद्योगिक नीति की वजह से देश विदेश से जम्मू कश्मीर में निवेश हो रहा है। परिवहन के नए और बेहतर साधन से कारोबारियों को सहूलियत हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विकास की बयार के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए,
जिससे कि जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक मुख्य धारा से खुद को अलग न समझे। सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि यहाँ पे औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ की ऐसी अभूतपूर्व पैकेज दी गई है जैसी पैकेज और कहीं पे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को कि जम्मू कश्मीर आकर के वो अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश करें। और ऑलरेडी हमें ऐसा लगता है कि 12-13,000 करोड़ के तो करार हो चुके हैं, ज़मीनों का उनमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया है। ये हम लोग एग्रीमेंट, मैं अभी एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें यकीन है कि कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आएगा बाहर से। नई औद्योगिक नीति से करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर उद्योगों की तरफ बढ़ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में 2020-21 में राज्य के GST कलेक्शन में 14.50% का इजाफा हुआ, MST यानी मोटर स्प्रिट टैक्स में 64.63% और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में 104% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जहां एक तरफ ये बढ़ोतरी है, वहीं दूसरी तरफ अगर वहां की आतंकी गतिविधियों के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में नवंबर तक 203 घटनाएं हुईं। वहीं सीमा पार से घुसपैठ की बात करें तो 2018 में 143, 2019 में 138, 2020 में 51 और 2021 में अक्टूबर तक सिर्फ 28 घटनाएं हुईं। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूती से जमा रहा है और वहां के लोग भी दशकों से चल रहे आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं और एक नए जम्मू कश्मीर की कहानी लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पर हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी।